अस्सलाम वालेकुम लाइव विद एमजेड में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोगों ने पहले कभी ऐसा ब्लॉग नहीं देखा हुआ कि एक ही ब्लॉग के अंदर आपको सिंगर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, टीवी एक्टर, उन सबके इंटरव्यू आप लोगों को देखने को मिले हों। आज के ब्लॉग के अंदर जो मैंने पुराने इंटरव्यूज किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी यादें आज दोबारा से ताजा की जाए। जो मैंने पहले इंटरव्यू किए थे उनके क्लिप मैं आज आप लोगों के साथ इस ब्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। और हम आज देखेंगे कि उन सियासतदानों ने, सिंगर ने, टीवी एक्टर ने, जर्नलिस्ट ने उस टाइम क्या बात हमसे शेयर की थी, क्या क्या अपने तासुरात, क्या क्या अपने उनके साथ जो बीता था, क्या क्या उन्होंने बातें हमें बताई थी। तो आज के ब्लॉग के अंदर हम लोग सीनियर कानूनदान बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब, फारूक सत्तार साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जो चेयरमैन थे रियान आशफी, जनरल सैयद सफदर अली और सलीम शहजाद जो पाकिस्तान के सिंगर है, पुराने गाने गाते थे, पुराने सिंगर है, बहुत ज्यादा फेमस है, लेजेंड है, उनका इंटरव्यूज की क्लिप जो है मैं आज इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अब इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा और चलते हैं कि देखते हैं उन शख्सियात ने अपने इंटरव्यूज में क्या कहा है। अच्छा फारूक सर, ये बताइएगा कि बचपन की आपको कोई ऐसी शरारत याद है या घर वालों से जिसका आपको या स्कूल में टीचर से आपको डांट सुनने को मिली हो? नहीं, जाहिर है कि वो लायक बच्चा हो ही नहीं सकता जिसने घर वालों की डांट ना खाई हो। और फारूक सर सब ये बताएं कि सियासत में आने के फैसले पर आपके घर वालों का क्या रिएक्शन मिल रहा है, वो लोग खुश थे या ना खुश थे, क्या था उनका? ये बहुत कम लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जाहिर है कि मिडिल क्लास घराने और सियासत दो मुतजाद बातें हैं। ये बताएं कि खाने पीने के शौकीन आप खुद ही हैं या खुद भी आपको कुकिंग का शौक है कि नहीं? खाने पीने का मतलब अब थोड़ा सा उम्र जैसी बढ़ रही है तो थोड़ा अब होता है कि कुछ चटपटा जो है वो खाया जाए, और छोले खाने में भी अच्छा लगता है, दही बड़े भी बहुत पसंद आते हैं। और वैसे मैं दाल चावल मेरी मरहूब गजा, भिंडी हो तो बहुत ही अच्छा, खाना भी आता है आपको, और सी फूड पकाने में बातें पकाना आती है। और आप फारूक सत्तार साहब ये बताएं कि अगर आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हो और आपकी बराबर वाली सीट खाली हो तो आप क्या चाहेंगे, इनमें से कौन सा मुसाफिर है जो आपके साथ बैठ के जो है वो सफर करे? पहला नाम है महवेश हयात, दूसरा है मायरा खान, और तीसरा है मीरा, और चौथा है हरीम शाह। मैं ये समझता हूँ कि मैं इन सब के लिए वॉक ओवर दे के मैं जहाज से उतर जाऊंगा, मेरी बराबर नहीं, मेरी सीट भी इन्हीं लोगों को मैं दे दूँ। ख्वाजा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि वकालत के शोबे में आपका कैसे आना हुआ? बस जी, मैं अपने कॉलेज के जमाने में डिबेटर था, फिर अपने कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट भी था, तो पब्लिक स्पीकिंग वगैरह का मुझे बड़ा वो था, शौक भी और तजर्बा भी। तो बल्कि स्कूल में, कॉलेज में भी कहा करते थे टीचर के ये बड़ा अच्छा वकील बनेगा, तो बस वो चूंकि बचपन में जो बात जहन में बैठ जाती है तो बस यही हुआ कि मैंने जैसे ही बी कॉम किया तो फिर मैंने एस एम लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, LLB किया और फिर कोर्ट में आ गया। ख्वाजा साहब, आपके ख्याल में एक नए वकील को वकालत के शोबे में आने के बाद कितना अरसा लगता है एक अच्छा वकील बनने के लिए? सर, कम से कम 5 साल का अरसा दरकार है। अच्छा ख्वाजा साहब, हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि एक हीरो जब वकील का किरदार निभाता है तो अदालत में जोश और खरोश से चलते चलते जो है वो अदालत में अपने दलाइल दे रहा होता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार मरहूम मोहम्मद अली साहब की, तो जब भी वो वकील का या मुलजिम का किरदार निभाते थे तो हमने उनको देखा है कि काफी ज्यादा जोश और खरोश के साथ वो अदालत में चलते चलते जो है वो अपने आर्गूमेंट दे रहे होते थे। तो क्या हकीकत में भी ऐसा ही कुछ होता है? इस हवाले से हमारी थोड़ी सी इसलाह कीजिएगा। नहीं, देखिए फिल्म में ड्रामा होता है, लेकिन देखिए फिल्में भी जो है हकीकत के करीब होती हैं, और दलाइल जो हैं नो डाउट देने पड़ते हैं, उसमें चल के भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी अदालतों में इतनी जगह नहीं होती कि आप चल कर दें, खड़े होकर अपनी जगह पे रोस्ट्रम पे खड़े होकर दलाइल देने होते हैं और जज की तरफ आंखों में आंखें मिला के देना होते हैं जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं। वो फिल्म में तो चूंकि ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं तो वो इसलिए चलते भी हैं और दूसरी तरफ देखते हैं, लेकिन जज्बात तो बहुत हो जाते हैं हमारे भी बाज़ औक़ात, आप इतना जबरदस्त वकील इमोशनल हो जाते हैं, बल्कि रो भी पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। केस के बयान करते हुए जो है जो हकायक, और होता है ऐसा, लेकिन वो फिल्मों में जाहिर है वो तय, रुक जाइए जज साहब, मैं आ गया हूँ, ये कत्ल इसने नहीं मैंने किया है। जज पूछता है तुम अब तक कहाँ सो रहे थे? वो कहता है जज साहब मैं नहीं, मेरा जमीर सो रहा था। ये हमारे यहाँ नहीं होता। पहला सवाल आपसे ये है कि सियासत में आपका कैसे आना हुआ कि आप? नहीं, असल में मेरा खानदानी बैकग्राउंड तो ऐसा है कि आधा खानदान हमारा तकरीबन अहले जुनून से उसका ताल्लुक है,
और यानी लेफ्टिस्ट घराना था, और दोनों तरफ मजहबी भी और सियासी। तो एक इनकलाब की जद्दोजहद रही 1947 से पहले। मेरे दादा और मेरे दूसरे ख़ानदान के अफराद भी कांग्रेस में और मुस्लिम लीग वगैरह में भी रहे, जद्दोजहद में रहे पाकिस्तान की। उसके बाद फिर मेरी वालदा बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में भी थी, सामाजिक कारकुन भी थी, फिर अंजुमन जमहूरियत पसंद ख्वातीन सिंध नवाबशाह की सदर भी थी। तो एक इनकलाब का दौर दौरा हमारे घर में रहता था। वो कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनसे अच्छी दोस्ती आपकी, आपको लगता है कि ये साफ गोश शख्सियत है या उसूल पसंद सियासतदान है? यार मुझे अपने अलावा सारे अच्छे लगते हैं, मैं किसके बारे में क्या कहूँ। जिंदगी में किया गया कोई ऐसा फैसला जिस पर आज तक अफसोस होता हो? क्या बताऊँ, अफसोस तो मुझे जिंदगी में कभी भी किसी भी मामले में नहीं हुआ। हालांकि बहुत तकलीफ दे माहौल से गुजरा, बहुत ज़्यादा लोगों की बेमरवती, लेकिन उसको मैं कभी खातिर में नहीं लाता, उसको काउंट भी नहीं करता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुना है आपकी शादी 1982 में हो गई थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे कमाल है आपको, तो मेरी पैदाइश के अलावा मेरी शादी की डेट भी याद है। वैसे ये डेट तो हर एक को याद होती है और हर साल वो इस डेट को देखता है कि अब कितने साल रह गए। तो ये तो खैर हर दुखी कह रहा हूँ सॉरी हर शादीशुदा शख्स जो है उसके जहन में पता होता है उसको कि वो किस दिन उस कैद हो जाएगा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। आपके ख्याल में सियासत और शराफत में क्या फ़र्क है? देखिए मेरा ख्याल है कि शरीफ आदमी सियासत में आता ही नहीं है, और अगर सियासत में आप शराफत से चलेंगे तो लोग तो आपको दुआएं देंगे। वरना मैंने अक्सर ये देखा है कि जो लोग सियासत में होते हैं वो जो वादे करते हैं अल्लाह माफ करे, मेरा ख्याल है वो उन वादों को पूरा नहीं करते। क्या अच्छा पब्लिक में किया गया कभी कोई मजाक आपके गले तो नहीं पड़ा? देखिए एक तो पहले तो मैं बड़ा मोहतात होता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई जुमला ही ना हो जिसकी दिल आजारी हो। लेकिन मुझे एक अच्छी तरह याद है कि क्वेटा में हमने एक शो किया था, तो उसमें वो पठानों के जोक्स पे जरा लोग ज्यादा हंसे। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैं जब अपने होटल में आ रहा था तो चार पांच स्टूडेंट मुझे मिले और कहने लगे आया साहब आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और बस नमान से हंस हंस के हमारा पेट में दर्द हो गया, लेकिन आइंदा पठानों का लतीफा जरा सा आराम से। तो वो आराम से जो उन्होंने कहा था उससे मैं समझ गया था कि इसमें कितना आराम शामिल है। अच्छा अनवर मकसूद, मुइन अख्तर, काजी वाजिद, बहरो सजवारी के साथ लूज टॉक, फिर मुशायरे, फिर बुलबुले के शेर खान जैसे बेहतरीन किरदारों में उम्दा कारकर्दगी निभाने के बाद आप शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। अब कहीं जाते हैं तो फैंस आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते होंगे, कैसा लगता है आपको? देखिये सबसे अच्छी बात ये होती है कि फनकार जो है अगर उसको रेस्पेक्टेबल अंदाज में उससे मिला जाए, उसकी वजह तो मेरा मैं अपना वो है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ज़ाहिर है मेरी ऑप्टिक की वजह से भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उनका मिलने का अंदाज क्या कि आपका मिलना कैसा है, हम कैसे मिल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पोजिंग करेंगे जो लोग होता है एक्सक्यूज मी तो मैं ये चीज नहीं करता। मैं बड़ा आवामी सा फनकार हूँ, मुझे बच्चे ज्यादा लाइक करते हैं क्योंकि जब से बुलबुल का शेर खान मैं बनाऊँ वो बहुत पसंद करते हैं मेरे इमेज ऑप्टिक पे। आप यकीन करें चश्मे कम बिकते हैं, सेल्फी लोग ज्यादा बनवाते हैं। सुना है पहले मेयर कराची आप बनने वाले थे लेकिन बाद में वसीम अख्तर साहब को मेयर कराची बना दिया गया, आखिर इस बात में कितनी सदाकत है? सुना तो हमने भी है, जिससे आपने सुना है उनसे तस्दीक करें इस बात की कि क्या वजह है आवाम बलदियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी से मायूस नजर आ रही है। आवाम का सवाल है कि शहर की खराब सड़कें बनाना, शहर में स्ट्रीट लाइट्स लगाना और स्प्रे कराना, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिये मौजूदा बलदियाती निज़ाम जो कि दरअसल आर्टिकल 140A के बिल्कुल मुतसादिम है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स लोकल बॉडीज के पास होनी चाहिए थी। मुशर्रफ के दौर में जिस तरह का निज़ाम था उसके बिल्कुल बरक्स निज़ाम है। उस दौर में ना सिर्फ कराची पैकेज था, कराची के बलदियाती इदारे कराची के मुंतखब बलदियाती नुमाइंदों के पास थे। आप क्या समझते हैं किस मेयर कराची ने कराची की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है? पहला नाम है फारूक सत्तार, दूसरा नाम है मरहूम निमतुल्ला खान साहब, तीसरा नाम है मुस्तफा कमाल या मौजूदा मेयर कराची वसीम अख्तर? देखिए मवाजना जो किया जाता है, अगर चार एक्टर्स का मवाजना किया जाता है तो उस मवाजने के लिए गिवन सिचुएशन इक्वल होती है। अगर आप मुशर्रफ दौर जैसे इख्तियारात, फाइनेंशियल पावर्स और अथॉरिटीज़
अगर फारूक सत्तार साहब को दें, नेमतुल्ला साहब को दें और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब को देते या जो भी एक्स वाई जेड किसी को देते, तो मवाजना उस सूरत में होता है कि कौन कारकर्दगी बेहतर कर सकता है। प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, इन चराहों को हवा में भी जलाए रखना। प्यार की याद। और सलीम शेजा साहब, आपका पहला मशहूर गीत कौन सा है? मेरा पहला गीत फिल्म हीरा पत्थर में, जिसमें वही मुराद पहली मरतबा हीरो आए हैं दोनों ने, उसके बोल थे मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। और सलीम शहजाद साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये गाना अगर आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को गुनगुना के सुना सके तो बहुत अच्छा होगा। जी जी, वो इस तरह था, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, उसने हंस के देखा बेड़ा पार हो गया। लड़की कहती खाली पीली, कहता है प्यार हो गया, जिसे देखो प्यार का बीमार हो गया। अब तक कितने गाने आप गा चुके होंगे? तकरीबन प्राइवेट गीतों की भी तादाद है इसमें, रेडियो पाकिस्तान की गानों की भी तादाद है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ 2500-3000 गाने हैं। अगर हम बात करें कि सलीम शहजाद को कौन सा सिंगर पसंद है, तो फिर आप किस सिंगर का नाम लेंगे? इस शेर में जमी से फलक जिसकी परवाज है, मोहम्मद रफी की वो आवाज है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आपका आखिरी गाना कौन सा है और वो कब रिकॉर्ड हुआ था? मेरा ख्याल एक फिल्म बनी थी मिस्टर के टू, उसमें मोइन अख्तर साहब ने कहा कि भाई मेरा प्लेबैक गाएगा सलीम, तो वो इस तरह था, ये दुनिया स्टेज है, इसके हम फनकार हैं, जिंदगी एक खेल है, इसके हम किरदार हैं, ये दुनिया। और सलीम शहजाद साहब, ये बताएं कि आपके खुद के गाए हुए पसंदीदा आपके खुद के गाने कौन कौन से हैं जो आप अक्सर गुनगुनाते हो? ये मेरा है मोहब्बत के दिए जला लो, वफा के गीत गुनगुना लो, तकाजा है ये जिंदगी का, हुर्रा। सौगात मेरी एक फिल्म थी जिसमें रूना लैला के साथ मैंने गाया था, जिंदगी तो आपकी रानाइयों का नाम है। अवनीत लखानी साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि कुछ सालों पहले आपने एक AMI के नाम से, एशियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से एक पौधा लगाया था, जो आज माशाल्लाह से इकरा यूनिवर्सिटी की शक्ल में तनावर दरख्त इख्तियार कर चुका है, बन चुका है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, 1998 में AMI बनाया था, ये 2000 में इसका चार्टर हुआ, यूनिवर्सिटी बनी, फिर एक के बाद दूसरी इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, लाहौर, कराची। अच्छा, इकरा का नाम जो है ये किसने तजवीज किया था? मैं समझता हूँ बहुत खुश नसीबी थी मेरी कि ये नाम अवेलेबल था। उनत मखानी साहब, अच्छा ये बताइए कि अपनी निजी जिंदगी के हवाले से भी कुछ बताइए, आपके आप कहाँ पैदा हुए थे, बहन भाइयों में आपका नंबर कौन सा है और एजुकेशन कहाँ से आपने कम्प्लीट की है? जी, हम 5 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। कराची में पैदा हुआ, शुरू में मुझे तो अब याद नहीं है, लेकिन जो देखिए जगह पापोश में एक घर में हम लोग रहते थे, मैं वहाँ पे पैदा हुआ, और उसके बाद फिर नाजमाबाद में रहाइश रही फॉर मेनी ईयर्स, फिर गुलशन इकबाल में ब्लॉक 5 में रहे, तो बचपन मेरा जो है वो जो मुझे याद है वो गुलशन इकबाल का है। ये बताइएगा कि पुराने वक्त की सियासत और आज की मौजूदा दौर की सियासत और सियासतदान में आप क्या फर्क देखते हैं कि अब गुफ्तगू के अंदर सियासतदान जो है वो अपने आदाब जो है वो क्या भुला चुके हैं? बात यह कि सिर्फ सियासतदान नहीं, सहाफत भी जो है ना आदाब भुला चुके हैं, जो मैं देखता हूँ इनके जो करंट अफेयर के प्रोग्राम है उस पर, सिवाय इस काम के कि लोगों की धज्जियाँ उड़ाई जाएँ, उनको नंगा किया जाए, उनको जलील किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। ऐसी जो है सियासतदानों में एक दूसरे पर बड़े संगीन इल्जाम लगाते हैं जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं होता। हालांकि दुनिया भर में ये डिफेमेशन लॉज हैंगे,
कि अगर आपने कोई गलत बात की है तो बाकायदा कोर्ट में जाते हैं और बड़े बड़े अदालतों पे यूरोप में बरतानिया में जुर्माने हुए हैं झूठ के ऊपर उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा बड़ा वाक़ नहीं हुआ, ना किसी उसके ऊपर सहाफती अदारे के ऊपर हुआ, ना सियासतदानों के ऊपर हुआ, सब मिली भगत चल रही है, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, सहाफत भी बदनाम हो रही है, सियासत भी बदनाम हो रही है, तहजीब और सकाफत बिल्कुल ख़त्म हो के रह गई है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तरक्की किसके दौर में हुई? देखिए, जहाँ तक तरक्की का ताल्लुक है तो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे, पाकिस्तान के पास कोई वसाइल ही नहीं थे। तो जब अयूब खान ने इख्तदार संभाला तो जितनी भी तरक्की हुई है, सनअती तरक्की खासकर, वो अयूब खान के ज़माने में हुई है, और उसके ज़माने में लोगों को रोज़गार भी मिला और काफ़ी हद तक हुआ। उसके बाद भुट्टो दौर में भी लोगों को, भुट्टो के दौर में ये हुआ कि उन्होंने बाहर बड़े इंतजाम किए, जिसकी वजह से यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है लीबिया, सऊदी अरब, यूएई, बहुत से ममालिक में चले गए, जिसके बाद पाकिस्तान में एक अजीब तरीके का इनकलाब आया कि जो लोग बाहर गए उनके पास पैसे की भी फरावानी हुई, जब यहाँ पे आए तो एक बड़ा अजीब मंजर है यहाँ पे। किस सियासतदान से इंटरव्यू या मुलाकात के दौरान आप उसकी शख्सियत या ज़हानत से मुतासिर हुए? कई सियासतदान हैं जो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ज़हानत एक अलग चीज़ होती है। लेकिन मैंने जितना पीर पकाड़ों को देखा है, जितना वेल अवेयर वो होते थे, हालांकि उनके इंटरव्यूज़ को लोग मजाक समझते थे, उनकी बातों को समझते थे, लेकिन मैं आपको एक यकीनी बात बताऊं कि जो बातें उन्होंने 90-92 में मुझे बताई थी, आज मैं देख रहा हूँ कि वही चीज़ें हैं, और वेल इन्फॉर्म सियासतदान थे। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, जिसके अंदर जो मेरे पुराने इंटरव्यू से उनके क्लिप मैंने आपको दिखाए। उम्मीद है आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो अगले ब्लॉग में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।